पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार इन दिनों बैक टू बैक अपने प्रोजेक्ट्स की शूटिंग कर रहे हैं। उनकी लेटेस्ट फिल्म सरफिरा सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। एक तरफ जहां मुंबई में राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी की शादी के लिए सेलेब्स का मेला लग रहा है, वहीं खबर आ रही है कि खिलाड़ी कुमार इस समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे। दरअसल अक्षय कुमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर पिछले दो दिनों से अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। सरफिरा के प्रमोशन की वजह से वो इधर उधर ट्रैवल भी कर रहे थे। तबीयत ठीक न होने की वजह से एक्टर ने अपना कोरोना टेस्ट कराया, जो पॉजिटिव आया। एक्टर ने खुद को आइसोलेट कर लिया है और डॉक्टर्स के बताए दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो 12 जुलाई की सुबह उन्हें कोरोना होने का पता चला, इसीलिए लास्ट मोमेंट के प्रमोशन में भी वो शामिल नहीं हो सके। इसके अलावा एक्टर अनंत राधिका की शादी में भी शामिल नहीं हो पाएंगे, जबकि अनंत खुद वेडिंग कार्ड देने उनके घर गए थे। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी 3 दिनों तक चलेगी, जिसमें 12 जुलाई को शुभ विवाह, 13 जुलाई को शुभ आशीर्वाद और 14 जुलाई को एक भव्य रिसेप्शन कार्यक्रम शामिल है। इसके बाद 15 जुलाई को एक और रिसेप्शन होगा। अंबानी की शादी में जॉन सीना, माइक टाइसन, जिन क्लाउड वॉन डेम और जे शेट्टी, बोरिस जॉनसन, टोनी ब्लेयर, जॉन कैरी और स्टीफन हार्पर जैसे जाने माने सेलिब्रिटीज शामिल होंगे। फिलहाल प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस, जॉन सीना, सिंगर रेमा, साउथ सुपरस्टार महेश बाबू, उनकी पत्नी नम्रता शिरोकर, केजीएफ स्टार यश शादी में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंच चुके हैं। अक्षय कुमार को शादी का न्योता खुद अनंत अंबानी ने दिया था, लेकिन अक्षय कुमार को कोरोना हो चुका है। अक्षय कुमार को कोरोना है, ये बात उन्हें आज सुबह ही पता चली है, जिसके बाद अब ये खबर सामने आई है कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में अक्षय कुमार शामिल नहीं होने वाले हैं। उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।